साउंड मिसमिस से जो दिक्कत आ रही है काम करने दो इसलिए कि अच्छा जल्दी से जल्दी अच्छा बन जाए तो बढ़िया काम हो जाए, हमारी तैयारी के लिए दिक्कत नहीं होगी। मेरा 20 साल का तजुर्बा इस ग्राउंड का है, जो मैं ये बता रहा हूँ इस ग्राउंड के अंदर खच्चर भी ठीक से नहीं दौड़ सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। परसों टमकोर में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत जनसुनवाई हुई थी। यहां स्थानीय विधायक रीटा चौधरी आई, जिसके तहत ये ग्राउंड उन्होंने पिछले अपने इस कार्यकाल में उन्होंने युवाओं को सौगात के रूप में दिया था, जिसका काम भी हुआ, लेकिन कुछ कमियां यहां रह गई और वो युवाओं को खल रही है। तो यहां अभी युवाओं ने वापस इस जन सुनवाई में इकट्ठे होकर एक साथ सभी के साथ एक स्वर में बात की और विधायक से वापस मांग की कि हमें ये ग्राउंड अपनी आधुनिक सुविधाओं के साथ हमें मिलना चाहिए। विधायक ने इस बात को पूरी तत्परता से सुना और त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम को, तहसीलदार को और आईएन को यहाँ मौके पर मुआयने के लिए भेजा कि ग्राउंड की स्थिति क्या है। स्थिति मुआयना करने के बाद अधिकारियों ने उनको एक्चुअल रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद युवाओं को पूरी आशा देते हुए उन्होंने एकदम से संतुष्ट किया है कि इस ग्राउंड को मैं उच्च स्तरीय सुविधाओं से आपको दूंगी। इस पे युवा हमारे साथ यहाँ हैं जो रोज इस ग्राउंड पे तैयारी करते हैं, यहाँ से कोच साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। मेरा 20 साल का तजुर्बा इस ग्राउंड का है, जो मैं ये बता रहा हूँ इस ग्राउंड के अंदर खच्चर भी ठीक से नहीं दौड़ सकते और जवानों के जूते अगर वो डेली प्रैक्टिस सुबह शाम करे तो मुश्किल से एक महीना पकड़ेगा, चाहे वो 20,000 रुपए के जूते ले आओ। तो जब इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने, तो उसका बेनिफिट गांव के युवाओं को, जो ये लोग आपके आसपास घूम रहे हैं साथ में, इन्होंने इनको मोटिवेट किया और ये सब मिलके मेरे को बोले कि एक एप्लीकेशन दी जाए। इनमें मौजूद थे और हमने विधायिका के सामने ये जितने भी जवान थे लेकर हमने एक एप्लीकेशन तुरंत पेश की। विधायिका ने ये आश्वासन दिया, उसको तुरंत उसने संज्ञान में लिया, ग्राउंड का मायना कराया, तहसीलदार वगैरह आए, इंजीनियर वगैरह। अब उसके अंदर ये चीज दिखाई गई, ये ना ही कोई इवेंट कराने के लायक है, ना तो इसके अंदर एथलेटिक इवेंट हो सकती है, ना ही कोई टीम वर्क गेम हो सकता है और ना ही इसके अंदर मतलब वो फैसिलिटी है जो एक स्पोर्ट्समैन उसके अंदर अपना परफॉर्मेंस दे सके। तो मैडम के सामने ये सारी बातें रखने के बाद उसने तुरंत संज्ञान में लिया, यहाँ के देख के गए जो अब ये ग्राउंड के तौर पे ही बने तब जाके गांव को फायदा हो, हम तो ये कहते हैं। बिल्कुल, विधायक जी ने आश्वासन दिया यार, उम्मीद है बिल्कुल ये, क्योंकि उसका पहला स्टेप जो था उसने तुरंत एक्शन लिया, संज्ञान में लिया और वहां पर अधिकारी भेजे। अगर नानुकड़ और इधर की बात होती तो वो ऐसा करती नहीं, तो हमें पूरी उम्मीद है। हम ये नहीं कहते कि उनका दिलचस्पी भी है और वो जहां तक है कराएगी। बिल्कुल, मुख्य समस्या जो है वो यह है, इस ट्रैक की है। यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, आप देख सकते हैं कि इन पे दौड़ पाना संभव है ही नहीं। कम से कम ये 5 किलो का पत्थर यहाँ मौजूद है इस ट्रैक के ऊपर, तो किसी भी हालत में यहाँ दौड़ पाना संभव नहीं है। और युवा जो हैं वो अपनी इस बेबसी पे मायूस हैं, आखिर कुछ कर नहीं सकते, पर फिर भी हर रोज अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। संघ गांव अभियान के तहत शिविर लगा, उसमें पूरा प्रशासन गांव में आया और साथ में विधायक जी वहां मौजूद रहे। ग्राउंड में हमारे स्कूल का जो खेल मैदान है उसमें 400 मीटर ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक बनाया ग्राम पंचायत ने, ग्रेवल डाल दी गई, बच्चों के दौड़ने के लायक ये है नहीं। बच्चों ने अपनी समस्या विधायक जी के सामने रखी, विधायक जी ने तुरंत वहाँ से तहसीलदार साहब और इंजीनियर को वहाँ मौका मुआयना करने के लिए भेजा और उनसे वापस रिपोर्ट में ये पाया कि वास्तव में ये ट्रैक दौड़ने लायक नहीं है। तो विधायक जी ने इन युवा साथियों को और खिलाड़ियों को ये आश्वासन दिया कि
आपका ये जो ट्रैक है, आपका खेल मैदान है, मैं आपको शीघ्र से शीघ्र ही मैं तैयार करके आप लोगों के सामने पेश करूंगी, ये मैं आपको वादा करती हूँ। विधायक जी ने पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण आश्वासन दिया है और उससे हम ग्रामवासी और ये बच्चे सब संतुष्ट हैं कि हम आशा रखते हैं कि ये बहुत जल्दी ही ट्रैक और ये खेल मैदान तैयार होगा और इसमें आगामी ग्रामीण ओलंपिक भी होने हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी खेल मैदान तैयार होगा। सरकार खेलों के प्रति खूब जागरूक है। इस बार 2018 से पहले गाँव में ग्राउंड नहीं थे, लेकिन हर ग्राम पंचायत में ग्राउंड मिल रहे हैं, ग्राउंड में काम भी हो रहे हैं और ओपन जिम लग रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम की सुविधा मिल रही है। सरकार हालांकि बहुत काम करवा रही है, लेकिन काम यहां भी हुआ, लेकिन कमियां रह गई। अब विधायक जी ने यहां पूर्ण संतुष्ट आश्वासन दिया है, ग्रामीण पूर्ण रूप से संतुष्ट भी हैं कि हमें यहां पूरी सुविधाएं मिलेगी, एक ओपन जिम भी गाँव को मिलेगा और ये ट्रैक भी उच्च स्तरीय ट्रैक बन के निकलेगा। ग्रामीण युवा जो हैं वो अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे, यहाँ से सेना में जाने के लिए काफी युवा तैयारी करते हैं, देश को अपनी सेवा दे सकेंगे। वहीं हम बात करें तो इसी खेल मैदान के पास जो लड़कों का खेल मैदान है, वहीं उनके पास लड़कियों का भी खेल मैदान है। वो खेल मैदान, उसकी सुविधाएं, उसका स्वरूप आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितनी सुविधाएं हैं। हालांकि यहाँ जो काम हुए हैं वो सरकारी काम बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, पूरे काम भामाशाहों के थ्रू हुए हैं और रुपयों का जब सदुपयोग बोलते हैं वो इस ग्राउंड में निकल के आया है। हमारे साथ यहाँ इस ग्राउंड में तैयारी करने वाले कुछ युवा मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि उनका व्यू इस ग्राउंड के प्रति क्या है। नमस्कार, मजबूरी सबसे पहले मैं हमारे कोच साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने प्रयासों से ये ग्राउंड तैयार करवाया, भामाशाहों से मिलकर यहाँ जो भी खर्चा लगा हुआ है भामाशाहों से लगा है। ये जो रूपरेखाएं तैयार की है हमारे कोच साहब ने की है, तो आप देख लो इन सुविधाएं, हर प्रकार की इसमें सुविधाएं, परंतु ये ग्राउंड ओनली लड़कियों के लिए है। उस साइड में जो ग्राउंड है वो लड़कों का है, तो वहाँ जो ट्रैक बनी है वो दौड़ने में असुविधा होती है, उसमें कंकड़ डाले हुए हैं तो बच्चों के पैर स्लिप होते हैं, इसलिए बच्चे वहाँ नहीं दौड़ पाते हैं। इस ग्राउंड में लड़के व लड़कियाँ दोनों एक साथ यहाँ दौड़ते हैं, मजबूर होता तो यहाँ दौड़ने के लिए लड़कों को मजबूर होते हैं। तो सारे जो आप लगे हैं वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी का ग्राउंड है, चारों ओवर फील्ड का जो ग्राउंड है वो हमारे कोच साहब की रूपरेखा है और भामो साहब का सहयोग। एक साथ चार मैच हो सकते हैं, एक साथ कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और हैंडबॉल। यहाँ ट्रैक बनी है वो 8 लाइनों की है, 8 लड़के एक साथ दौड़ सकते हैं। काफी लंबी ट्रैक है, 400 मीटर का पूरा ट्रैक है। हम कोच साहब को और भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के भामाशाहों का सहयोग है इस ग्राउंड पे और बड़ा ही जो देखें कि इसका स्वरूप है, उच्च स्तरीय स्वरूप है, इसको उच्च स्तर से बनाया गया है। यहाँ लाइटिंग की सुविधा है, लड़कियों के लिए चेंज रूम की सुविधा है, लड़कियों के लिए चेंज रूम की सुविधा है, बाथरूम की सुविधा है, सारी सुविधाएं उनको दी गई है। केवल और केवल गांव के भामाशाहों ने अपनी बच्चियों को यहाँ सुविधाएं दी है ताकि वो दौड़ सके। नाइट में यहाँ लाइट लगी हुई है, अगर कोई शाम को या सुबह जल्दी तैयारी करता है तो उसके लिए भी लाइटें यहाँ लगी हुई है और बाकी भी इंस्ट्रूमेंट है ओपन जिम के लाइक, सारे ओपन जिम के लाइक इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगे हुए हैं और लड़कियाँ भी काफ़ी संख्या में यहाँ तैयारी करती हैं और कई लड़कियों ने तो यहाँ राज्य स्तर पर कबड्डी में कई लड़कियों ने हिस्सा लिया है, राज्य स्तर पर लड़कियाँ यहाँ कबड्डी खेल के आए हैं।